नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल ओवरसीज। दोस्तों अभी हमने कुछ दिन पहले जो सिंगापुर का वीडियो डाला था, अभी ये रिक्वायरमेंट जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था कि ये रिक्वायरमेंट रोटेट होती रहेगी, बार बार आती रहेगी। तो अभी एक मेरे पास सडन रिक्वायरमेंट आई थी जिसमें आज ही क्लोजिंग डेट थी। मीन्स ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जैसे मेरे पास अभी रिक्वायरमेंट आई सडन कि उसमें आज ही क्लोजिंग डेट है 18 की शाम तक मुझे प्रोफाइल्स डालने होंगे। तो इन प्रोफाइल्स के लिए अगर हम पहले से रेडी रहें कि जब भी कोई नेक्स्ट बैच होगा उसमें हम वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं, तो आप अपना प्लान कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट हो वर्क परमिट के वीजा के लिए और इसमें आपको बहुत जल्दी फ्लाई करना है, मीन्स जब भी क्लोजिंग डेट होगी उस दिन से एक महीने के अंदर वीजा आपके हाथ में होगा, विद इन वन मंथ वीजा आपके हाथ में होगा। अब इसमें से कौन कौन सी ट्रेड के कैंडिडेट्स को प्रोसेस करना है, इसमें ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, स्काफोल्डर, प्लम्बर, फिटर, ये सभी ट्रेड के लोग हैं, इनको डेफिनेटली प्रोसेस करना है। जितने भी ट्रेड के लोग होंगे, चाहे वो मिस एक्सपीरियंस गल्फ का हो या इंडियन एक्सपीरियंस हो, लेकिन ट्रेड के कैंडिडेट्स को, जितने भी ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं और जनरल वर्कर, राइट, ट्रेड के कैंडिडेट इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन, कारपेंटर, स्काफोल्डर, फिटर, ये वेल्डर्स, ये ट्रेड के लोग, इसके अलावा जो जनरल हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये वैकेंसी ओपन है। और इसमें जैसे अभी वो डेट आई थिंक 3 डेज हुआ, मंडे को क्लोजिंग थी, ट्यूसडे को, आज क्या है फ्राइडे, मीन्स 3 दिन पहले हमने क्लोजिंग की थी, उसमें 2 लोगों को डाला हुआ है। अभी आज की क्लोजिंग में भी 1-2 लोगों को पुट करना है। तो अभी अगर आपको इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि सिंगापुर जाना चाहिए और बहुत जल्दी फ्लाई करना है, इसके फीचर्स मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। मैं सैलरी रहेगी इसमें, बेसिक सैलरी होती है वो 550 होती है, 550 सिंगापुर डॉलर। फिर इसमें ओवरटाइम मिलता है, नॉर्मल डेज में 1.5 गुना मिलता है और वीकली ऑफ पर डबल मिलता है। अब ये बंदे की कैपेसिटी के ऊपर है वो कितना ओवरटाइम करना चाहता है। अगर ओवरटाइम एक प्रकार से देखा जाए वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर जो अर्निंग होगी वो 900 से लेकर 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, मीन्स 900 से लेकर 1400 के बीच में सैलरी अर्न की जा सकती है। ऐसा बोल सकते हैं कि 50,000 से लेकर 75,000 के बीच की सैलरी हो सकती है विद ओवरटाइम। सो दोस्तों जितना भी आप काम करेंगे उसके हिसाब से आपकी सैलरी कंसिडर होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 6 महीने के बाद असेसमेंट होता है। कुछ लोगों को, जो जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होती है, कुछ लोगों को 6 महीने के बाद भी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है। और 1 साल के बाद तो डेफिनेटली सैलरी इंक्रीमेंट ऑलमोस्ट सभी लोगों की होने वाली है उनके परफॉर्मेंस के ऊपर। अब किसी की परफॉर्मेंस बिल्कुल 0 होगी तो उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम लोगों की सैलरी बढ़ती है 1 साल के बाद। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अभी कोई व्यक्ति जनरल वर्कर में गया और उसको किसी भी ट्रेड का एक्सपीरियंस है, अगर वो एक्सपीरियंस है उसको तो वो ट्रेड में चला जाएगा। लेकिन अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, वो जनरल वर्कर में गया बट उसको नॉलेज है, तो वो टेक्निकल फील्ड में जाके अपने ट्रेड में भी सेटल हो सकता है। अगर किसी ने ITI किया, फिटर से किया, इलेक्ट्रिशियन से किया, तो वो बंदा अगर उसको सर्टिफिकेट नहीं है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, सब कुछ है, तो वह एज अ जनरल वर्कर वर्क शुरू करेगा और फिर 6 महीने बाद, 1 साल के बाद वो डायरेक्टली अपने प्रोफाइल में आ जाएगा। इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, जो भी प्रोफाइल होगी उसमें आ जाएगा। एज लिमिट रहेगी इसमें 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में एज लिमिट रहेगी। 18 ईयर से लेकर 35 के बीच में कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, मेल कैंडिडेट चाहिए। क्वालिफिकेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, ना पढ़े लिखे हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, कोई भी हो, लेकिन सबको सेम प्रोफाइल मिलने वाली है जनरल वर्कर की। और इस प्रोफाइल के बाद में फिर अगर बंदा अपनी क्वालिटी के ऊपर अच्छा परफॉर्म करता है तो कंपनी ग्रो, मिस उसको प्रोग्रेस प्रमोट कर देगी, सैलरी बढ़ा देगी, जो भी है इंक्रीमेंट डेफिनेटली होगा उसको, एक्सपीरियंस के बेस पर उसको आगे बेनिफिट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर फीचर्स क्या रहेंगे, सैलरी के अलावा कंपनी वैसे फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, ये सब कंपनी देती है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से जब तक कैंटीन बंद है कंपनी की तब तक फूड नहीं मिलेगा, फूड कैंडिडेट को अरेंज करना होगा। और जो कंपनी के टाइप्स होते हैं ना, जो कोई भी कंपनी होती है उसके वेंडर्स भी होते हैं, तो कंपनी के जो वेंडर्स होते हैं वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। जो फूड प्रोवाइडिंग कंपनी होंगी, जो होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, वो लोग टिफिन सर्विसेज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। टिफिन सर्विसेज के लिए आप कॉन्टेक्ट करेंगे उनको तो आपको लगभग 80 से
$80 से $90 में आपको मंथली टिफिन, यानी $100 में आपको मंथली टिफिन मिल जाएगा। और घर में कुकिंग करोगे, आप रूम पर कुकिंग करोगे, तो आपको नियर अराउंड $80 से $90 में आपका महीने का कुकिंग हो सकता है। एकोमोडेशन जहाँ मिलता है वहाँ पर फूड फैसिलिटी मीन्स किचन फैसिलिटी होती है, जहाँ पर आप कुकिंग कर सकते हो। सो दोस्तों, शुरू में कुछ टाइम के लिए, जब तक वैक्सीन लॉन्च नहीं होती है, जब तक कोरोना का इफेक्ट, जब तक उनकी कैंटीन बंद है, तभी तक आपको फूड नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर आपको फूड मिलेगा, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी होती है, सिंगापुर में सभी प्रोफाइल्स में फूड एकोमोडेशन कंपनी देती है। लेकिन अभी कोरोना की वजह से फूड अभी प्रोवाइडेड नहीं है, और फूड सभी को खुद हैंडल करना होता है, खुद मैनेज करना होता है। अब फूड के लिए हमारी तरफ से कमिटमेंट नहीं होगा, अगर कंपनी आपको अलाउंसेस देती है वेल एंड गुड, वो कॉम्प्लीमेंट्री मान लेगा। लेकिन फिलहाल हमारी तरफ से फूड नहीं मिलेगा जब तक कोविड की सिचुएशन है। कैंटीन चालू होने के बाद आपको फूड मिल जाएगा, ठीक है, और इस पीरियड में अगर आपको अलाउंस मिलता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी तरफ से कमिटमेंट नहीं होगा। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, वो सारी फैसिलिटी कंपनी की तरफ से मिलेगी। 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट को आप रिन्यू करेंगे, 2 से 4 कर सकते हैं, फिर अगेन 2 करेंगे 6 हो सकता है, अगेन 2 करेंगे 8 हो सकता है, अगेन 2 करेंगे 10 ईयर्स हो सकता है। अब इसमें 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट हो तो लोगों के मन में क्वेरी होती है कि 2 साल में आ सकते कि नहीं। दोस्तों, आप आ सकते हो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आओगे, एक बार प्रॉपर एप्लीकेशन देके कि मुझे इस काम के लिए जाना है, उसका वैलिड प्रूफ देना। जैसे आपको आपके घर में किसी की शादी है, उसका कार्ड लगा सकते हो, घर में कोई बीमार है, उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, और उनको बोल के छुट्टी ले सकते हैं। और छुट्टी लेने के बाद टिकट, आपको आने जाने का टिकट दिखाना पड़ेगा कि आप 15th ऑफ दिस मंथ जा रहे हो और नेक्स्ट मंथ ये 15 को आ जाओगे, 1 साल के बाद, ऐसा प्लान कर सकते हो। और 2 साल कंप्लीट होने के बाद में कंपनी आपको आने जाने का दोनों टिकट देगी, और रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा, उसका भी कंफर्मेशन हो जाएगा। जैसे भी आपके 2 साल कंप्लीट होने वाले होंगे, उसके ठीक 2 महीने पहले रिन्यूअल की प्रोसेस चालू होती है, और आपके आने से पहले आपका रिन्यूअल डेफिनेटली हो जाएगा। दोस्तों, साल भर में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, और डेली की बात करेंगे एवरी वीक में, तो एवरी वीक में 1 छुट्टी मिलती है, और उसमें अगर आप वर्क करना चाहें तो आपको डबल पे आउट मिलेगा, महीने में टोटल 4 वीकली ऑफ मिलेंगे। और इसमें वर्किंग का जो रहेगा वो टोटल कंपनी के हिसाब से रहता है, एंड ओवर टाइम एज पर द अवेलेबिलिटी, वैसे मैन पावर की कमी है तो ओवर टाइम डेफिनेटली मिलने वाला है। लेकिन जब मैन पावर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ओवर टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, ओवर टाइम मिलता जरूर है, क्योंकि ओवर टाइम नहीं होगा तो फिर लोग कमाएंगे कैसे। और कंपनी भी उसी हिसाब से, जब उसको कम वीजा निकाल के काम हो जाएगा तो ज़्यादा वीजा क्यों निकालेगी, इसलिए ओवर टाइम्स मिलते हैं। अभी सिंपल सी बात है, किसी कंपनी में 20 लोग काम करते हैं, और अगर कंपनी ने सिर्फ 16 लोग बुलाए तो 4 लोगों का काम कौन करेगा, वो कैंडिडेट मीन्स जो वहाँ पर अवेलेबल मैन पावर है उनको करना पड़ेगा। और अगर कंपनी 20 बुलाते तो 20 कोटा पूरा यूज करना पड़ेगा। तो ये मान लीजिए कि कंपनी कभी भी पूरे पूरे मैन पावर को हायर नहीं करती है, कुछ ना कुछ तो कमी रहती है, ठीक है, और वो जैसे भी जो अवेलेबल मैन पावर है वो सारा काम करते हैं। और ट्रेड की बात, क्योंकि ट्रेड का काम चलता रहता है, जो सिंगापुर में 3 ट्रेड जो 3 सेक्टर हैं वहाँ पर जॉब ज़्यादा होती है, लॉजिस्टिक में होती है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में होती है, आईटी इंडस्ट्री में होती है, और 4th सेगमेंट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, वो कंस्ट्रक्शन जहाँ पर होगा, लॉजिस्टिक जहाँ पर होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन भी काम करता है, टेक्नीशियन भी काम करता है, फिटर भी काम करता है, कारपेंटर भी काम करता है। सो दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड की रिक्वायरमेंट बनी रहती है, ट्रेड की रिक्वायरमेंट, ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट और कुक की रिक्वायरमेंट। लेकिन ड्राइवर कुक एसपास के लिए एलिजिबल होते हैं, इसलिए इस वीडियो में उनका जिक्र नहीं किया हमने, लेकिन ट्रेड के जितने लोग हैं सभी की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जिनको एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे ऑफिस में जल्द से जल्द विजिट करें और एक ओपन एग्रीमेंट करके रखें। ओपन एग्रीमेंट करेंगे तो जिस दिन भी हमारी डेट क्लोजिंग होगी उसी दिन हम प्रोफाइल अप्लाई करेंगे और उस डेट से आपका टाइम शुरू हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि जब भी डेट, जैसे मान लीजिए आज की डेट है, आज हो गई 18th ऑफ दिसंबर, तो 18th ऑफ दिसंबर इट मीन्स ये मान लीजिए कि 18 जनवरी लगभग 20 जनवरी तक आपका वीज़ा डेफिनेटली आ जाएगा। बीच में छुट्टी 1-2 दिन का असर पड़ता है तो 20 जनवरी तक आपका वीज़ा ज़रूर आ जाएगा। तो जिस दिन भी क्लोजिंग डेट होगी वर्क परमिट के लिए, विद इन अ मंथ उनका वीज़ा ज़रूर आ जाएगा, और फ्लाइट उनका वंदे भारत मिशन के हिसाब से होगा। सो दोस्तों, कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है जो इंटरेस्टेड हो सिंगापुर जाने के लिए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेशन बराबर करना सैलरी का। सैलरी मैंने जो बताई आपको, सैलरी बेसिक सैलरी 550 है, और ओवर टाइम लाके 900 से लेकर 1400 के बीच में होगी, 900, 1100, 1200, 1300, 1400, 1400, जो आपकी कैपेसिटी है, आप कितना रिजल्ट कंपनी को देते हो, कितना काम करते हो, उसके हिसाब से सैलरी रहेगी। ये इन्फॉर्मेशन अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी लोग हैं
रिलेवेंट लोगों को उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको इनका लाभ मिल सकता है। और इसमें इंक्वायरी के लिए अगर आपको कॉल करना हो तो जो नंबर्स दिए जाएंगे उन नंबर पे आप ऑफिस टाइम में 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में कॉल करेंगे, सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में। और अभी आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, जैसे मैंने बोला वीडियो में डाला भी था, 20 तारीख के बाद से आपको रेगुलर रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। सो यदि आप 20 तारीख के बाद, मीन्स आज शुक्रवार है, कल का दिन शनिवार, कल तक थोड़ा सेलर रिस्पॉन्स रहेगा, सोमवार से आपको रेगुलर टाइम पर रिस्पॉन्स हो जाएगा। सो आप कभी भी अगर कॉल करेंगे तो आपको सेम डे या नेक्स्ट डे रिस्पॉन्स जरूर मिल जाएगा। इनकेस अगर आप कॉल करते हैं, कॉल बहुत हो जाते हैं और कॉल एंगेज होता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि जिससे बात चल रही है वो तो बात हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर 4-5 कॉल मिस कॉल हो गए, फिर अगेन दूसरा कॉल हो गया, तो जो मिस कॉल है वो अटेंड नहीं हो पाते, फिर अगेन वो वेटिंग में चले जाते हैं। अगर कभी आपका 2 बार में कॉल अटेंड ना होता हो तो आप एक मैसेज डाल दीजिए, उसमें अपना पूरा डिटेल, जैसा मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। वो मैसेज करने के बाद व्हाट्सएप पे मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो बेस्ट होगा। मैसेज करने के बाद में आपको 1 से 2 वर्किंग डेज में कॉल डेफिनेटली आ जाएगा और ईमेल का रिप्लाई भी आपको नेक्स्ट वीक से टाइम पर मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।